हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा स्पॉटिंग एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस IBPS, PO, प्री और मेंस के लिए और SSC एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनको टारगेट करते हुए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज़ का नाम है सक्सेस सीरीज़, और ये सक्सेस सीरीज़ का पार्ट टू है। इसके अलावा मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है englishiq.in। और यहाँ पर आपको फ्री ई बुक्स, फ्री PDFs, फ्री वीडियो कोर्सेज आपको मिलेंगे। अभी एक क्रैश कोर्स मैं चला रहा हूँ IBPS PO के लिए, इसको आप ज़रूर देखें। इसमें करीब 22 वीडियो आपको अभी अपलोड कर दिए हैं मैंने, और भी वीडियो क्लासेस इसमें अपलोड हो रहे हैं। तो एक फ्री क्रैश कोर्स है ये IBPS PO के लिए, इंग्लिश के लिए। इसको आप ज़रूर देखें और इससे आप फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। देखिए, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को जब आप समझते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते हैं। और ये क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, IBPS PO के लिए, SSC के लिए, NDA, CDS और दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। नो टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे इसको तो आपका ध्यान इस वर्ड पर नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए टू लिखा हुआ है, और टू के बाद आने वाली जो नाउन होगी वो होगी प्लूरल में, ठीक है? तो नो टू कंट्रीज होगा यहाँ पर, नो टू कंट्री नहीं होगा। तो ये पार्ट इसमें रर है, और ए इसमें आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा आपका ए। अब देखिए, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का सही तरीका ये है कि जैसे ही एरर आपको मिलती है आपको वहीं टिक करना है, उसको कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस पढ़ें, क्योंकि कभी कभी सेंटेंसेस काफ़ी लंबे रहते हैं, 3 या 4 लाइन के सेंटेंसेस रहते हैं, और उसमें टाइम आपका काफ़ी कंज्यूम होता है, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो सभी एग्जाम्स में एक क्रूशल पॉइंट है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है? तो पूरा सेंटेंस है, नो टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड ईच अदर सो वेल और शेयर सो मच एज इंडियन भूटान। मतलब पूरे पूरे वर्ल्ड में कोई भी दो कंट्री ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझती हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे तरीके से शेयर करती हैं जैसे इंडिया और भूटान शेयर करते हैं। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर PM मोदी अभी भूटान की यात्रा पर गए थे, तो उसके उससे रिलेटेड ये सेंटेंस है। चलिए एक सेंटेंस हम और देखते हैं, और जब भी आप किसी सेंटेंस को देखा करें तो उसके सारे एलिमेंट्स को आपको एनालाइज करना है। ये एनालिसिस की जो हैबिट रहेगी ये काफ़ी यूजफुल रहेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, इंडिया हैज़ विटनेस, हैज़ के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द राइज ऑफ हिंदू राइट एज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल बट अ कल्चरल फोर्स। अ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल से पहले ए लगा हुआ है, तो कल्चरल फोर्स से पहले भी हम ए लगाएंगे, लाइक नेवर बिफोर। यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन हिंदू राइट की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदू राइट चूंकि पर्टिकुलर राइट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे द हिंदू राइट। देखिए, इस तरह की एरर्स बहुत आती हैं कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसमें स्टूडेंट को ये पता नहीं पड़ता है कि एरर एक्चुअली है कहाँ पर। बहुत सटल मिस्टेक्स होती हैं और छुपी हुई मिस्टेक्स होती हैं। तो करेंट में इस समय एग्जाम्स में जो एरर्स आ रही हैं वो ऐसे ही पूछी जा रही हैं। ग्रामर बेस्ड एरर कम आ रही हैं और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एरर ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो हिंदू राइट से पहले हम इसमें यहाँ पर दा लगाएंगे, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। द हिंदू राइट हम इसमें बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द यूनिक ज्योग्राफी ऑफ केरला विथ इट्स स्टीप क्लाइम डाउन फ्रॉम 900 मीटर हाई एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स टू द कोस्ट ऑफ मालाबारा हैज रिजल्टेड इन अ लैंड विद ए वास्ट रिवराइन नेटवर्क। ये ज्योग्राफी का एक सेंटेंस है, केरला की ज्योग्राफी इसमें बताई है, तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। द यूनिक ज्योग्राफी ऑफ केरला यहाँ तक सही है, विद इट्स, इट्स इसमें सही है क्योंकि केरला के लिए आया है जो कि सिंगुलर है। स्टीप क्लाइम डाउन, क्लाइम अप होता है, एक होता है क्लाइम डाउन, मतलब एक होता है चढ़ाव और एक होता है उतार, ठीक है? स्टीप क्लाइम डाउन फॉर 900 मीटर हाई एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से पहले इसमें दा लगा हुआ है जो कि सही है। टू द कोस्ट ऑफ मालावारा हैज़ रिजल्टेड, रिजल्टेड हैज़ के बाद रिजल्टेड लगा है, रिजल्टेड के बाद हम इन लगाते हैं कि
इस चीज का रिजल्ट इस चीज में हो गया है, मतलब इस चीज की वजह से ये चीज हो गई है। इट हैज रिजल्टेड इन सक्सेस। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हार्ड वर्क हैज रिजल्टेड इन सक्सेस, कड़ी मेहनत सक्सेस में परिवर्तित हो गई है, तो रिजल्टेड के बाद इन प्रपोजिशन हम लगाते हैं जो कि सही है। आ लैंड, यहाँ पर चूंकि केरला की लैंड की बात हो रही है तो ए लैंड कहना सही है, विद ए वास्ट रिवराइन नेटवर्क, जिसमें काफ़ी रिवर्स है, तो ये सही है सेंटेंस, इसमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रही है, और इसका आंसर होगा ई, दैट इज नो एरर। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो क्लास आप ध्यान से देखिए, एंड तक आप इसको देखें। और एक जो मैंने फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है IBPS PO के लिए, उसको englishiq.in वेबसाइट पर आप जरूर जाके देखें। और यदि आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से आप पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, इस सेंटेंस को। आफ्टर द फ्लड्स इन केरला इन 2018, केरला में जो फ्लड्स आए थे 2018 में, उसके बाद, तो ये जो फ्रेज है आफ्टर द फ्लड्स इन केरला इन 2018, ये सही है। द चीफ मिनिस्टर्स टीम, चीफ मिनिस्टर की टीम, चीफ मिनिस्टर में अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जो कि सही है। चीफ मिनिस्टर्स टीम विजिटेड द नीदरलैंड्स, नीदरलैंड में हम दाला, नीदरलैंड से पहले हम दा लगाते हैं, जैसे USA से पहले हम दा लगाते हैं, नीदरलैंड में हम एस भी लगाते हैं। ठीक है, द नीदरलैंड्स हम बोलते हैं, ये सही है। टू लर्न हाउ सिटीज विद हाई लेवल्स ऑफ वाटर फुटप्रिंट आर डीलिंग इन क्लाइमेट चेंज इश्यूज, यहाँ पर सिटीज क्लाइमेट चेंज इशू से किस तरीके से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डील विद बोलेंगे, डील इन नहीं बोलेंगे। डील इन का मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना। जैसे यदि मैं बोलूँ कि वी आर डीलिंग इन शुगर, ठीक है, तो हम शुगर में डील करते हैं, शुगर को हम बेचते हैं या उसकी ट्रेडिंग करते हैं। और डील विद का मतलब होता है लोगों के साथ डील करना या इश्यूज के साथ डील करना, उनसे उनसे निपटना, उनसे उनका सामना करना। तो डील इन ना होते हुए यहां पर हम लिखेंगे डील विद, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद इश्यूज। तो जब हम किसी इश्यूज के साथ डील करते हैं या किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं, तो वहां पर हम डील विद लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डी आपका सही आंसर होगा, बाकी सब इसमें सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड ज्योग्राफी नीड्स। अब देखिए नीड्स यहाँ पर सही है, नीड्स इसलिए सही है क्योंकि क्योंकि ये नीड्स जो रिलेटेड है, नीड्स जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट कैसा है, सिंगुलर, तो इसलिए नीड्स यहाँ पर सही है। पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड ज्योग्राफी नीड्स, ज्योग्राफी नीड्स इमेजिनेशन एक्शंस, ये क्या ये पढ़ने में आपको थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है, इमेजिनेशन एक्शंस, ये एक्शंस भी नाउन है, इमेजिनेशन भी नाउन है, क्या दो नाउन हम एक साथ लगा सकते हैं? यहाँ पर एक्चुअली दो नाउन हम एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंड नाउन होती है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस एक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो एक्शंस है जो कि नाउन का काम यहाँ पर कर रहा है, वो एक्शन कैसा है, वो तो उसको बताने के लिए, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहां पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, किसका, एडजेक्टिव का। तो एक्शंस इमेजिनेशन का क्या मतलब हुआ, एक्शंस कैसे हो सकते हैं, एक्शंस इमेजिनेटिव हो सकते हैं, काल्पनिक, इमेजिनेशन का मतलब हुआ कल्पना, तो इमेजिनेटिव एक्शंस हम बोलेंगे, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। और जैसे ही आपको आंसर मिलता है, ठीक है, तो वहां पर आप उसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरीके से अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मॉक्स लगाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन मॉक्स लगाएंगे उतना सक्सेस की संभावना कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बढ़ जाएगी। ओवर द पास्ट फ्यू डेज, एक्चुअली ये ओवर का मतलब होता है ड्यूरिंग, ठीक है, पिछले कुछ दिनों के दौरान, ओवर द पास्ट फ्यू डेज देयर हैज बीन एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न, पिछले कुछ दिनों में कुछ चिंता के विषय रहे हैं, कुछ इश्यूज रहे हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न, चूंकि एक्सप्रेशंस प्लूरल है इसलिए हम यहाँ हैज बीन नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे हैव बीन,
देयर हैव बीन एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो ए पार्ट में आपका आंसर निकल के आ गया, इसका आंसर होगा ए। अब बाकी का यदि आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारा टाइम आपका चला जाएगा। बाकी का सेंटेंस आपको तभी पढ़ना है जब जब आपको एरर नहीं मिल रही है, कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तब पढ़ना है। यदि आपको एरर मिल जाती है फर्स्ट पार्ट में और आप श्योर है कि यही एरर है, तो आपको उस क्वेश्चन को, उसके आंसर को टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ये है आपकी सही स्ट्रेटजी, और ऐसे आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप टाइम जो है वो बचा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो टेकन नोट ऑफ, द कोर्ट सही है, कोर्ट से पहले द लगा है ये सही है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ये सही है, टेकन नोट ऑफ हम बोलते हैं ये सही है, टेकन नोट ऑफ द डिले इन ट्रायल्स। डिले एक्चुअली नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए इससे पहले द लगाया है। और किस डिले की बात कर रहे हैं, जो ट्रायल्स, जो कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं उसके डिले की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। इन टर्न डायरेक्टिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द कोर्ट हैज ऑल्सो टेकन नोट ऑफ द डिले इन ट्रायल्स, जब कोर्ट ने जो ट्रायल्स में डिले हो रही है इसको जब नोट किया है, तो ऐसा करते हुए कोर्ट ने क्या किया है, डायरेक्ट किया है, यानी इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इन टर्न डायरेक्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट ने एक तरफ तो डिलेस को नोटिस किया है, ट्रायल में जो नोटिस, ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं उसमें डिले होता है, देरी होती है, और एट द सेम टाइम डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस लिए डायरेक्ट किया है, टू सेटअप स्पेशल कोर्ट्स विद इन डेज, 60 डेज के अंदर कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, 60 डेज ऑफ द ऑर्डर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट बनाएं, ठीक है, हैव मोर देन 100 पेंडिंग केसेस अंडर द एक्ट। जिस भी, इसका मतलब क्या है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट के अंडर में 100 पेंडिंग केसेस हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में इस एक्ट से रिलेटेड 100 पेंडिंग केसेस हैं, उन सारी डिस्ट्रिक्ट में 60 डे के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाने हैं, ये कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है। तो ये सेंटेंस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ईच डिस्ट्रिक्ट हैव मोर देन, देखिए यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जिसमें 100 पेंडिंग केसेस हैं इस एक्ट के, ऐसी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जिसमें 100 पेंडिंग केसेस हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स हैविंग मोर देन 100 पेंडिंग केसेस, तो यहाँ पर क्या हैव के स्थान पर हैविंग लगाना सही नहीं होगा। जैसे यदि मैं बोलूं अ बॉय रीडिंग इन द गार्डन, बॉय की विशेषता बता रहा हूं मैं रीडिंग से, एक ऐसा लड़का वहां पर बैठा हुआ है जो रीड कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई जब हम नाउन को करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम करते हैं। तो ईच डिस्ट्रिक्ट, या तो आप बोल सकते हैं विच हैज, तो विच तो यहां पर लगा नहीं है, तो इसलिए आपको विच हैज के स्थान पर आपको लगाना पड़ेगा ईच डिस्ट्रिक्ट हैविंग मोर देन 100 पेंडिंग केसेस अंडर द एक्ट, तो यहां पर हैविंग आपको यहां पर यूज करना होगा, और डी पार्ट में इसमें मेरा है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लोमेट्स हेयर हैव पॉइंटेड आउट, डिप्लोमेट्स के साथ इसमें हैव लगा हुआ है, ये सही है क्योंकि डिप्लोमेट्स प्लूरल है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये भी सही है। डिप्लोमेट्स ने पॉइंट आउट किया है, किस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, वो यहाँ दैट से आगे लिखा हुआ है, दैट चाइनाज पुश, चाइना का पुश की बात हो रही है, इसलिए अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर सही है, चाइनाज पुश टू ब्रिंग बैक कश्मीर टू द UNSC, मतलब डिप्लोमेट्स ने पॉइंट आउट किया है कि चाइना का जो पुश है, जिसमें चाइना कश्मीर को वापस लाना चाहता है, कहाँ पर, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने उसको रखना चाहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ये जो शो है इसका रिलेशन किससे है, ये जो वर्ब है इसकी नाउन कहाँ पर है, इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है, ये शो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, शो आ रहा है इसके लिए, चाइनाज पुश टू ब्रिंग बैक कश्मीर टू द UNSC, तो चाइनाज पुश के लिए है, और चाइनाज पुश जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हम शोज लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? शूज। तो सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। अब आपको जब एरर मिल जाती है तो बाकी के सेंटेंस को आपको नहीं पढ़ना है, टाइम अपना बचाना है। बाकी के सेंटेंस को तभी पढ़ना है जब आपको सेंटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है और आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और इस वीडियो क्लास में करीब 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आप इन वीडियो क्लासेस में 15 क्वेश्चन चाहते हैं, 20 क्वेश्चन चाहते हैं, 25 क्वेश्चन चाहते हैं। और इसके अलावा मैं एक इसका इंग्लिश वर्जन भी लाने की सोच रहा हूँ कि सारे वीडियो क्लासेस हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। तो उसके बारे में भी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसी का मैं इंग्लिश सेक्शन में मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश वीडियो क्लास बनाऊँ जिसमें इंस्ट्रक्शंस में मेरा एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। तो उसके बारे में भी अपनी राय बताएं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक वीडियो क्लास में मैं कितनी लूँ तो इसके बारे में भी जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियो क्लासेस आपके लिए बनाऊंगा। यस्टरडे द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इशूड सही है। इशूड क्यों सही है? क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इशूड अ नोटिफिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, कल इशू किया, जिसका टाइटल था, टाइटल्ड का मतलब है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है कि ये काम हो चुका है, तभी हमने यहाँ पर ईडी लगाया है, मतलब उसका टाइटल दिया जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन का टाइटल जो है वो दिया जा चुका है। उसका टाइटल क्या था? टाइटल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन कश्मीर ऑर्डर 2019। और यहां पर फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है। यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो ओवरराइड कर रहा है किसको? जो 1954 में जो लॉ बना था जिसमें कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, उसको ये नोटिफिकेशन क्या करता है? ओवरराइड करता है, उसको हटा देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए यहां पर ओवरराइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह आया है, ठीक है। एंड इन इफेक्ट, और इसका इफेक्ट क्या है? एक्चुअली ये इन इफेक्ट्स नहीं होता, इन इफेक्ट होता है। जैसे ए कोई काम करता है और इन इफेक्ट बी कुछ करता है, मतलब उसका इफेक्ट बी पर पड़ता है। तो एक्चुअली सही जो फ्रेज है वो है इन इफेक्ट, ना कि इन इफेक्ट्स। यानी ये पार्ट आपका गलत है। ये जो आर्टिकल है ये ओवरराइड करता है 1954 का जो रूल था और स्क्रैप करता है, उसको ख़त्म करता है, किसको? आर्टिकल 370 को। तो यहाँ पर इन इफेक्ट्स के स्थान पर इन इफेक्ट होगा। सी यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अर्ली जून एट ए नीति आयोग मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट अ क्लियर एंड बोल्ड इकोनॉमिक टारगेट टू ग्रो इंडिया इन टू अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल 2024। मतलब अर्ली जून में नीति आयोग की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट सेट किया, एक क्लियर एंड बोल्ड टारगेट सेट किया, जिसमें वो इंडिया को ले जाना चाहते हैं 5 ट्रिलियन अकेडमी में। कब तक? 2024 तक। और ये काम 2024 से पहले भी पूरा हो सकता है, ठीक है। 2024 जो है ये एंड पॉइंट है, इससे पहले भी ये पूरा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 2024 तक ही पूरा हो। तो यहाँ पर जो सेंस आपको लगाना है वो लगाना है नॉट लेटर देन, मतलब 2024 या उससे पहले तक ये टारगेट पूरा होना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। 2024 तक या उससे पहले, ठीक है। तो सेंस आपको किसका लगाना है? नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं। और इसके बाद नहीं का जो सेंस आप लगाते हैं वो आप लगाते हैं बाय से, ना कि टिल से। टिल एंड पॉइंट को बताता है, बाय इंडिकेट करता है नॉट लेटर देन। तो नॉट लेटर देन का सेंस इसमें लगाने के लिए आपको यहां पर बाय को अप्लाई करना पड़ेगा, बाय को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डी यहां पर आपको आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हिस्ट्री शोज सही है, क्योंकि हिस्ट्री सिंगुलर है तो शो सही है। हिस्ट्री शोज, हिस्ट्री ये शो करती है, क्या शो करती है? ये दैट से बताया है आगे, दैट नो कंट्री हैज सक्सीडेड बाय एक्सीलरेटिंग इट्स ग्रोथ रेट विदाउट रेजिंग द डोमेस्टिक सेविंग रेट टू क्लोज टू 40% ऑफ GDP। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए छोड़ रहा हूँ।
इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है विद एक्सप्लेनेशन, तो इससे मैं चेक कर पाऊंगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द पेपर रिलीज्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पोस्टुलेटेड दैट द जीडीपी ग्रोथ बिटवीन 2011-17 वाज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द 7% शोन इन द ऑफिशियल फिगर। पास्ट में एक सेंटेंस है, द पेपर रिलीज्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द पेपर रिलीज्ड इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पोस्टुलेटेड, मतलब उसने ये बताया, उसने ये इमेजिन किया, उसने ये कॉन्सेप्चुलाइज किया दैट जीडीपी ग्रोथ बिटवीन 2011-17 वॉज सही है, सिग्निफिकेंटली लोअर थी जीडीपी ग्रोथ देन द 7% शोन इन द ऑफिशियल फिगर। जीडीपी ग्रोथ 7% बताई जा रही है, किसके द्वारा बताई जा रही है? ऑफिशियल फिगर्स के द्वारा, शोन बाय द ऑफिशियल फिगर हम बोलेंगे, शोन इन द ऑफिशियल फिगर नहीं बोलेंगे, शोन इन द रिपोर्ट हम बोल सकते हैं, लेकिन फिगर्स किसी चीज को बताते हैं, ग्रोथ फिगर्स के द्वारा बताई जाती है, फिगर्स में नहीं बताई जाती, शोन बाय द ऑफिशियल फिगर्स, शोन बाय द ऑफिशियल फिगर, काफी अच्छा ये सेंटेंस है और डी यहां पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में बताऊंगा, इसका आंसर आपको सोचना है और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एट ए टाइम व्हेन द नेशनल कैपिटल इज रीलिंग अंडर इंक्रीजिंग लोड। रीलिंग अंडर का क्या मतलब होता है? रीलिंग अंडर का मतलब है जैसे जैसे आपने स्कूल के जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने बसेस में जाते हुए देखा होगा, उनके पीछे काफ़ी लोड लगा हुआ रहता है, टंगा हुआ रहता है, कुछ भी आप मान सकते हैं, और उस लोड की वजह से वो एकदम सीधे चलते हैं, वो झुक नहीं पाते हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो रीलिंग अंडर का एक्चुअली सही मतलब यही है कि कोई भी बर्डन है आपके ऊपर, कोई भी स्ट्रेस है, उसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। फिजिकल सेंस में भी यूज हो सकता है ये, और फिगरेटिव सेंस में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। रीलिंग अंडर इंक्रीजिंग लोड ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड स्ट्रगलिंग विथ इट्स साइंटिफिक डिस्पोजल द सिविक बॉडीज हैव इनिशिएटेड। सिविक बॉडीज सही है, इससे पहले द लगाए, ये सही है, हैप सही है, हैप के बाद इनिशिएटेड थर्ड फॉर्म सही है, अ फ्रेश ड्राइव ये सही है, टू टैकल द इशू हैड ऑन। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब है कि एट ए टाइम व्हेन द नेशनल कैपिटल इज डीलिंग अंडर इंक्रीजिंग लोड ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड स्ट्रगलिंग विद इट्स साइंटिफिक डिस्पोजल, मतलब इस टाइम पर जिसमें जिसमें हमारी जो नेशनल कैपिटल है वो सॉलिड वेस्ट के बोझ से दबती जा रही है और स्ट्रगल कर रही है साइंटिफिक डिस्पोजल के साथ, सिविक बॉडीज जो होती हैं, नगर पालिका नगर निगम जो होती हैं सिविक बॉडीज, उन्होंने ये इनिशिएट किया है, एक फ्रेश ड्राइव एक इनिशिएट किया है, एक 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 फ्रेश कदम उठाया है। ड्राइव का मतलब है कि एक स्टेप उठाया, एक कदम उठाया है इस इशू को टैकल करने के लिए। हेड ऑन का मतलब है कि आमना सामना इसका करने के लिए, इस इशू से दो दो हाथ करने के लिए, इस इशू से आमना सामना करने के लिए हेड ऑन सही है यहाँ पर। इशू हेड ऑन, हेड ऑन एक्चुअली नाउन के बाद ही हम लगाते हैं, तो ये सेंटेंस आपका जो है ये नो एरर सेंटेंस है और काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, स्टडीज शो, स्टडीज शो सही है क्योंकि स्टडीज जब प्लूरल में है तो यहाँ पर हम शो लगाएंगे, शोज नहीं लगाएंगे। स्टडीज शो करती है, क्या शो करती है? ये दैट के बाद हमने बताया है दैट इंडियाज रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो किसका है? इंडिया का है, इसलिए अपोस्ट्रॉफी एस यहाँ पर लगा है, ये सही है। इंडियाज रोड ट्रांसपोर्ट एमिशंस आर सही है, आर स्मॉलर इन ग्लोबल कंपेरिजन बट इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट जो एमिशन है वो ग्लोबल कंपैरिजन में तो स्मॉल है लेकिन एक्सपोनेंशियली वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आई थिंक स्मॉलर जो वर्ड है ये गलत है, इसके स्थान पर हम स्मॉल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर देन का यूज़ नहीं हुआ है, स्मॉलर देन, देन कहीं भी नहीं है इसमें, केवल ग्लोबल कंपैरिजन हम बोल रहे हैं, तो इसलिए इसमें बी आपका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। वाइल द आसियान, आसियान ये कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। वाइल द आसियान आउटलुक डज नॉट सी द इंडो पैसिफिक एज वन कंटिन्यूअस टेरिटोरियल स्पेस, इट एम्फेसाइजेस, इट मतलब इट किसके लिए आया है? आसियान जो ग्रुप है कंट्रीज का उसके लिए आया है, तो इट यहाँ पर सही है।
और इट चूंकि सिंगुलर है इसलिए एम्फेसाइज सही है। डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी अंडरलाइंग द नीड फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एंड ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी सही है और इसका भी आंसर होगा नो एरर। तो इस तरीके से मैंने ये 15 क्वेश्चन लिए हैं, कैसे लगे आपको मुझे जवाब जरूर बताएं। और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक फ्री क्रैश कोर्स अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है englishiq.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसमें प्री का, मेंस का, GDPI का आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा कंटेंट मिलेगा। इसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इनको इन कोर्सेज को आप 6 मंथ के लिए और 1 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, और इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।